हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास मैथ एलिमेंट्स एक्सरसाइज 1.2। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, ये देखिए और समझिए। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए कि हमें 2/5 मिल जाए। क्लियर हुआ? इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए कि हमें 2/5 मिल जाए। तो ये ऐसे ही जो पहले क्वेश्चंस करते आए हैं हम, वैसे ही ये है। बस यहाँ पर जिसमें ऐड करना है वो तीन रैशनल नंबर का ग्रुप आया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम वगैरह लेकर के इसे सॉल्व करेंगे और आंसर अपना निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो फिर लेट द रिक्वायर्ड नंबर, वही चीज़ करेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे नंबर x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 2/5 मिले। क्या ऐड किया जाए, वो x मान रखा है हमने, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम बाकी नंबरों को उधर ले जाते थे। एक नंबर होता था, तो अब यहाँ तीन है तो तीनों इधर लेके जाएंगे और सबके निशान पलट जाएंगे। ये सारे प्लस के हैं तो माइनस के बन जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। किस किस का? 5, 2, 3 का। 5 दो बार आया तो हम एक बार ही लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब ये देखिए, इन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तीनों के तीनों को प्राइम है एक दूसरे के हिसाब से। HCF इनका 1 आएगा अगर निकाले तो, इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट ही LCM होगा। 5, 2 जा, क्योंकि एक बार ये 5 से जाएगा, एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, तो 5, 2 जा 10, 3 जा 30। 30 है, 30 बनाने के लिए हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, है ना? क्लियर हुआ? तो क्या आया, 12/30 माइनस 15/30 माइनस 10/30 माइनस 6/30। 6 × 1 = 6, 10 × 1 = 10, 15 × 1 = 15। तो हमें मिलता है 12 माइनस 12/30, ये तीनों माइनस के, पहले इनको एक साथ मिला देते हैं। 15 + 10 = 25 + 6 = 31। क्यों किया? क्योंकि तीनों के तीनों ही माइनस के हैं, तीनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन होंगे तीनों के तीनों और निशान माइनस का ही आएगा, तो माइनस का निशान रखा। 15 × 10 = 25 + 6 = 31। 12 माइनस, क्योंकि अब डिफरेंट साइन आ गए तो सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का 31 12 से बड़ा होता है, इसलिए माइनस का निशान आएगा। 31 में से 12 को माइनस करें तो हमें जो नंबर मिलता है वो है 11 − 2 = 9, 2 बचा यहाँ, 2 − 1 = 1, 19 माइनस का 19/30, ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। हेंस स्टेटमेंट लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इजगल टू −19/30 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं, बाय।